So hello everyone and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu. In this session guys, as usually I will bring to you the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. Alright, and PMI analysis guys is very very important after reading any particular article from any newspaper, because that is the way through which you can identify the questions that can be asked in your exam from any article. All right, and this I am doing it for you, so you don't have to do anything. You just have to watch these sessions and you can also download the PDF. All right, and if you want to have the PDF of this session guys, you can join the Telegram channel, the link for which is provided in the description. All right, so let's begin with the very first article of today. And aaj kuch bahut important article to nahi hai, but yes thode bahut important hai, to yes let's discuss. Sabse pehla hai power crisis ke bare mein. तो अभी हमारे देश में थोड़ी सी पावर की क्राइसिस चल रही है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे देश में जो पावर कट्स हैं कई एरियाज में लग रहे हैं, एंड इसका रीजन है शॉर्टेज ऑफ कोल, ठीक है ना. तो ये जो पावर की जो डिमांड है वो एकदम से जो बूस्ट हुई है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है और किन तरीके से इन चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, ठीक है. मतलब किसकी दारोमदारी है, किसके जिम्मेदारी है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ठीक है. तो दीज आर दी डिस्कॉम्स, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. सो अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारा, उसमें जो डिस्कॉम्स है यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द रिलायबल क्वालिटी एंड राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द कंज्यूमर्स अक्रॉस द कंट्री. एंड ऐसा करने के लिए टू डू सो दे एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद द नंबर ऑफ पावर जनरेटिंग कंपनीज, जैसे कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है या फिर NTPC है, इन सभी के साथ ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये जो कंपनीज है, ये जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, ये इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें. एंड देन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इनका काम है कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना. और यहाँ पे कंज्यूमर्स का मतलब केवल हाउस होल्ड कंज्यूमर्स नहीं है, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है उसमें वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. ऑलराइट, एंड दीज डिस्कॉम्स वर्क अंडर द ओवरसाइट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. मतलब यहाँ पे नेशनल लेवल पे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का कोई रोल नहीं होता. दीज डिस्कॉम्स वर्क अंडर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपके एग्जाम में स्टेटमेंट में हो सकता है प्री में. Now why there is a rising demand in this electricity? क्यों ऐसा डिमांड हो रहा है? Because with higher incomes and consequent increase in the use of air conditioners and other electrical appliances, the nature of electricity demand is rising exponentially. देखो अब इनकम बढ़ रही है देश में, इनकम बढ़ रही है, तो जो एयर कंडीशनर है या फिर जो और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, अभी आप अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो तो आप चार्ज किससे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से करोगे, ठीक है. आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो या मैं लैपटॉप से अभी वीडियो बना रहा हूँ, सामने लाइट है, ऊपर लाइट है, ठीक है, ये सभी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं या फिर चार्ज हो रही हैं. ऑलराइट, सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली जा रही है. इसके अलावा नॉट ओनली दिस, जो हमने बात करी है आत्मनिर्भरता की, यानी कि जो हमने सेल्फ सफिशियंसी की बात करी है, वन सेकेंड गाइस, यस, जो हमने सेल्फ सफिशियंसी की बात करी है, तो ऑफकोर्स जो सेल्फ सफिशिएंसी होगी वो कैसे आएगी, बाय एनहांसिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज. और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को एनहांस करने के लिए क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑफ कोर्स पड़ेगी. एंड नॉट ओनली दिस, जो हमारा इंक्लिनेशन है या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, वो अब बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है. अब चाहे कोई भी एरिया हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, किसी भी एरिया में यू जस्ट नीड इलेक्ट्रिसिटी. बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. एंड दीज आर द रीजंस कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है. नाउ हाउ कैन वी एंश्योर द एडिक्वेट सप्लाई. अब जो डिमांड है उसको मैच कराने के लिए हमें क्या क्या हम क्या क्या कर सकते हैं. नंबर वन, देर इज अ नीड ऑफ एडिक्वेट रिजर्व्ड मार्जिन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि ये जो एंटीसिपेटेड पीक आता है, स्पेशली जो गर्मियों का सीजन होता है, जो समर सीजन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एकदम से राइज होती है, ठीक है, पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है. तो इस पीक एंड अनएंटिसिपेटेड पीक को टैकल करने के लिए, मीट करने के लिए हमें नीड है एक एडिक्वेट रिजर्व मार्जिन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है. इसके अलावा द रेगुलेटरी कमीशंस नीड टू प्रोवाइड फॉर सच एक्सपेंसिव पीकिंग पावर अरेंजमेंट. अब देखो ये जो एडिक्वेट रिजर्व मार्जिन होगा ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और पावर जनरेटिंग कंपनीज को, तो यहां पर रेगुलेटरी कमीशंस को एंटर करना पड़ेगा और
ये जो एक्सपेंसिव पीकिंग पावर अरेंजमेंट है इसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उनके टैरिफ में, ठीक है। देर इज अ नीड ऑफ सेपरेट पीकिंग पावर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन एडिशन टू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ लॉन्ग टर्म थर्मल पावर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म थर्मल पावर कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऑलरेडी चले आ रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पीक पे होती है दैट इज इन द समर सीजन, उसके लिए हमें एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ओनली देन दीज राइजिंग डिमांड्स कैन बी फुलफिल्ड। ऑलराइट, एंड देर इज अ नीड फॉर टाइटनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ऑफ द सप्लायर्स विद एनफोर्सेबल फाइनेंशियल पेनल्टीज, ताकि अगर कोल इंडिया लिमिटेड हो गया या फिर और कोई दूसरी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी हो गई, अगर ये डिफॉल्ट करते हैं इन सप्लाई, अगर ये डिफॉल्ट करते हैं इन सप्लाई, तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल पेनल्टीज इनके ऊपर लगनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। हम बातें तो कर रहे हैं कि हम 500 गीगावाट तक बना लेंगे बाय द ईयर 2030, पर इन बातों को अब सच करने का समय आ चुका है, ठीक है ना, बिकॉज इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे, जो कि इतना ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है एनवायरमेंट में। सो देर इज अ नीड, देर इज अ डायर नीड कि अब हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको एनहांस करने पे फोकस ज्यादा करें, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच वी कैन इंश्योर दिस गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इलेक्ट्रिसिटी एरिया, ठीक है। एंड नाउ रीडिंग आर्टिकल एज आई टोल्ड यू इज नॉट इनफ, यू हैव टू डू द पीएमआई एनालिसिस। सो फॉर प्री गाइज इट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज ऑफकोर्स दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द प्री फ्रॉम दिस आर्टिकल। मेंस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GS3 में एनर्जी एक टॉपिक है, वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, इन द एरा ऑफ राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाट रोल कैन रिन्यूएबल एनर्जी प्ले इन रेक्टिफाइंग द गैप्स बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आप कैसे अप्रोच करोगे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो कीवर्ड्स क्या क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सबसे पहला कीवर्ड तो ये है कि देर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि यस ड्यू टू दीज रीजंस देर इज अ गैप। देन उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट रोल कैन रिन्यूएबल एनर्जी प्ले, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या रोल प्ले कर सकता है। नंबर वन इज कि वो जो डिपेंडेंसी हमारी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे वो कम करेगा, नंबर वन। नंबर टू, रिन्यूएबल एनर्जी से जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा, ठीक है, पोल्यूशन कम होगा। नंबर थ्री, जो ये अनएंटिसिपेटेड पीक आ जाता है ड्यूरिंग वेरियस सीजन स्पेशली इन द समर सीजन, उसमें जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो देर आर वेरियस वेज थ्रू विच रिन्यूएबल एनर्जी, देर आर वेरियस रोल्स विच रिन्यूएबल एनर्जी कैन प्ले इन दिस यू नो इन द गैप बिटवीन, इन रेक्टिफाइंग द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एंड नाउ इंटरव्यू में भी दे कैन आस्क यू दिस, बिकॉज आजकल देखो रिन्यूएबल एनर्जी की और फॉसिल फ्री एनर्जी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन दैट केस आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। क्या क्या नीड है कि हम अपने जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है उनके ऊपर से अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें, ठीक है। तो ये रीजन जो हमने अभी डिस्कस की आप बता सकते हो एग्जाम। So this was the PMI analysis, guys. I hope this is clear. And now let's move ahead to the next article, which talks about the importance of emigrants. जो इंडिया से बाहर नौकरी करने जाते हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। और उसके अलावा जो एक इमिग्रेशन बिल भारत सरकार 2021 में लेके आई थी, इमिग्रेशन बिल, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेंशन है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिस बिल, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल कह रहा है दैट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विच इज हेडेड बाय मिस्टर एस जयशंकर इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी देर आर ओवर 13.4 मिलियन एनआरआईज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से लगभग 13.4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एनआरआई हैं पूरी दुनिया में। एंड आउट ऑफ दीज 13.4 मिलियन पीपल 64% ऐसे हैं जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में रहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पे, यूएई में, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, ऑलराइट। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडियन माइग्रेंट्स हु लिव इन जीसीसी कंट्रीज आर लो एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स एज पर द इंडियन लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स, ठीक है। जितने भी लोग 13.4 मिलियन का 64% एंड आउट ऑफ दीज नंबर ऑफ पीपल 90% लोग ऐसे हैं जो कि लो स्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है। एंड बाकी और कंट्रीज भी हैं लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जहां पे इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लोग काफी ज्यादा रेमिटेंस आता है इंडिया को बाहर के जो हमारे एनआरआईज हैं उनसे। एवरी ईयर अबाउट 2.5 मिलियन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हो कि
फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, नॉट सर्च फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट लगता है तभी जाते हैं वो. बिजाइड्स बींग इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग ऑफ देयर डेस्टिनेशन कंट्रीज, इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दी होमलैंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कैसे? रेमिटेंसेस के थ्रू. देखो जो अपने, जैसे मान लो कि एक एक कोई पर्सन है वो बाहर गया, लेट्स से यूएसए गया, तो यूएसए में जब वो पैसे कमा रहा है तो ऑफकोर्स यूएसए की इकोनॉमी को फायदा दे रहा है बाय पेइंग टैक्सेस और बाय एनी अदर वे, ठीक है. लेकिन जब वो अपने, ये जो ए पर्सन है ये अपनी फैमिली को कुछ पैसे भेजेगा इंडिया में, तो ऑफकोर्स रेमिटेंसेस के थ्रू वो हमारे देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है. ऑलराइट. एंड अकॉर्डिंग टू एनएसओ, अर्बन एंड रूरल हाउसहोल्ड्स रिसीविंग रेमिटेंसेस हैव बेटर फाइनेंशियल कैपेसिटी देन नॉन रेमिटेंस रिसीविंग हाउसहोल्ड्स. ठीक है, एनएसओ का एक सर्वे भी है जिसके हिसाब से उन हाउसहोल्ड्स में जहां पे रेमिटेंसेज आते हैं उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नॉन रेमिटेंस रिसीविंग हाउसहोल्ड्स से ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो ये काफी स्ट्रेंज है बट यस दिस इज ट्रू. नाउ देर आर सर्टेन डेटा रिलेटेड टू द रेमिटेंसेज. नाउ नंबर वन, वर्ल्ड बैंक की एक ग्रुप रिपोर्ट है उसके हिसाब से इन द ईयर 2021 जो एनुअल रेमिटेंसेज थी हमारे देश में कितनी थी, 87 बिलियन डॉलर्स, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में क्या है, हाईएस्ट है. इन 2021 दीज रेमिटेंसेज इंक्रीज्ड, और कितना, 4.6% का इंक्रीज इसके अंदर हुआ. ऑलराइट. रेमिटेंसेज इन इंडिया हैव बीन सब्सटेंशियली हायर देन इवन द एफडीआई. जितने हमारे देश में एफडीआई रिसीव होता है उससे ज्यादा तो हमारे देश में रेमिटेंसेज रिसीव हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन और दूसरी चीज ये भी कि जो फ्लो ऑफ रेमिटेंसेज है उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू एफडीआई. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रेमिटेंसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3% है जीडीपी में, एंड दैट इज लोअर देन वेरियस नेबरिंग कंट्रीज एज वेल, लाइक नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश. ठीक है, हालांकि इसके पीछे रीजन है, एक हमारा राइजिंग पॉपुलेशन भी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है नंबर वन, और नंबर टू इन सभी कंट्रीज, जहाँ पे जो जो इन कंट्रीज का एग्जाम्पल है, इन सभी कंट्रीज से जो हमारी जीडीपी है वो बहुत ज्यादा ऊपर है. ठीक है, तो इसलिए हमारा 3% ऑफ जीडीपी भी इन कंट्रीज के अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो बहुत ज्यादा निकल के आएगा. ऑलराइट, सो इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात है नहीं. एंड नाउ दिस इमिग्रेशन बिल जो कि 2021 में मूव हुआ था, सो द गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड अ न्यू इमिग्रेशन बिल इन 2021, एंड दिस बिल एम्स टू इंटीग्रेट द इमिग्रेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रीमलाइन द वेलफेयर ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स. देखो कई जगहों से, अभी कुछ टाइम पहले कुवैत से न्यूज आई थी कि जो वहां पे वर्कर्स हैं, जो इंडियन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनका काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ठीक है, जो वो फीफा का वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे वहां पे काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ. तो इस तरीके की चीजों के लिए, इस तरीके की चीजों से निपटने के लिए ये जो इमिग्रेशन बिल है ये काम करेगा. ठीक है, दिस बिल प्रपोजेस टू मॉडिफाई द सिस्टम ऑफ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हु आर अप्लाइंग फॉर माइग्रेशन टू 18 नोटिफाइड कंट्रीज. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग इसका क्या मतलब होता है, ईसीआर कैटेगरी ऑफ वर्कर्स कौन होते हैं. सो दीज आर दोज विच मेनली कंप्राइजेस दोज who have not passed class 10th and face the challenges of risky and informal immigration and subsequent hardship abroad, जो कि generally वहाँ पे labor के साथ होता है. आपने कबूतरबाजी का अगर नाम सुना हो, I hope, पता नहीं आप में से कितनों ने सुना है या नहीं सुना है, कबूतरबाजी होती है कि यहाँ से ले जाते हैं कि हाँ हम आपको काम कराएंगे और वहाँ पे जाके टॉयलेट साफ करवाते हैं या नालियाँ साफ करवाते हैं. तो ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए जो ECR category of workers है उनके जो system है उसको modify किया जाएगा. Alright. इसके अलावा दिस बिल मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स टू रजिस्टर बिफोर डिपार्चर टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. अब रजिस्टर रहेंगे तो उससे इंफॉर्मेशन रहेगी कि किस देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, और मान लो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कि अभी यूक्रेन में इमरजेंसी सिचुएशन हुई, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डेटा ही नहीं होगा तो वो कैसे इवैक्यूएट करेंगे आपको भाई. तो इसलिए रजिस्टर कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This will ensure better protection for them, support and safeguard in case of vulnerabilities, जैसा कि अभी यूक्रेन में हमने देखा था. The proposed immigration management authority, एक immigration management authority बनाई जाएगी, and this authority will be the nodal authority to provide the policy guidance. All right. So all these things are mentioned in this article, guys. I hope everything is clear. And now let's come to the PMI analysis for pre and for interview. This is not relevant, I think, because directly इसमें से question नहीं पूछा जाएगा. But mains में GS2 में एक topic है हमारा action policies. उसमें से question बन सकता है. And question can be like this: The newly proposed immigration bill will ensure better protection for migrants, and it will also provide support and safeguard in case of vulnerabilities. Examine. तो आपको कुछ नहीं करना है basically. This question is asking you
the basic features of immigration bill and how these basic features will ensure the better protection to the migrants. That's it. Okay. तो आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये. तो जितनी भी चीज हमने इसमें पढ़ी है बस आपको यही मेंशन करनी है. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल. दो नए जज आ गए हैं, जस्टिस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, जस्टिस जो जस्टिस और जज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, जस्टिस और जज में डिफरेंस ये होता है, हाई कोर्ट और उसके ऊपर यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके आगे जस्टिस लगता है और उसके नीचे के जो कोर्ट होते हैं वो होते हैं जज साहब. ठीक है, तो दो नए जस्टिस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुधांशु धूलिया जो कि उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट से इनको एलिवेशन मिला है, और जमशेद परदीवाला जिनको गुजरात हाई कोर्ट से एलिवेशन मिला है. ठीक है, सुधांशु धूलिया उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको वहां से एलिवेशन मिला है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो, और जमशेद परदीवाला गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे. एंड नाउ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34 की वो पूरी हो चुकी है. ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस, जो जमशेद परदीवाला होंगे वो सीजीआई भी बनेंगे लगभग 2 सालों के लिए. ठीक है, तो यही है इस न्यूज में, लेकिन इतना काफी नहीं है. ऑफकोर्स अब जो अपॉइंटमेंट होती है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे और जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है उसकी हमें बात करनी पड़ेगी. सो रिमेंबर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट, ऑन एडवाइस ऑफ अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, जैसा कि उनको नेसेसरी लगे. किनको, प्रेसिडेंट को. ऑलराइट, तो सीजीआई इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, इलेक्टेड नहीं बोलेंगे अपॉइंटेड बोलेंगे. सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट इलेक्टेड, ऑन एडवाइस ऑफ जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी. लेकिन ये तो चलो हो गई बात सीजीआई की, बाकी अगर जजेस की बात करें तो अदर जजेस आर इलेक्टेड बाय अगेन द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन, इस वर्ड को ध्यान रखना, आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी. अब ये कंसल्टेशन के ऊपर बहुत लड़ाइयां हुई है, 3 केसेस हुए हैं अलग अलग, एक है फर्स्ट जजेस केस, एक सेकेंड जजेस केस और एक थर्ड जजेस केस, उसकी बात हम करेंगे. एंड ये जो कंसल्टेशन है विद सीजीआई इट इज ऑब्लीगेटरी, ये काफी ज्यादा जरूरी है. बिना कंसल्टेशन के किसी भी जजेस की अगर अपॉइंटमेंट होगी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी. ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई हिमसेल्फ. ऑफकोर्स सीजीआई की जब अपॉइंटमेंट होगी तो उसमें सीजीआई से, तो हम जब है ही नहीं कोई सीजीआई तो उससे कंसल्टेशन कैसे करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं जो कंसल्टेशन है इसके ऊपर क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी रही है. तो फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1982 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो कंसल्टेशन है जो प्रेसिडेंट ले रहे हैं विद जजेस, इट डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज द एक्सचेंज ऑफ व्यूज. ये कंकरेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कंसल्टेशन का जो इंटरप्रिटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया था ओनली द एक्सचेंज ऑफ व्यूज. लेकिन जब सेकंड जजेस केस हुआ 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस के जो जजमेंट था उसको रिवर्स किया और बोला कि भाई देखो जो कंसल्टेशन का मतलब है यहाँ पे क्या है, कॉन्करेंस है. इसका मतलब ये है कि जो एडवाइस सीजीआई देंगे प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, लेकिन जो सीजीआई है उनको 2 of his senior most colleagues के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा. यानी कि प्रेसिडेंट की जो कंसल्टेशन होगी वो सीजीआई के साथ होगी, नॉट ओनली सीजीआई, सीजीआई अलॉन्ग विद 2 Supreme Court judges. ठीक है, मतलब ये कोलिजियम बन जाएगा बेसिकली, इसी को कोलिजियम बोलते हैं. उसके बाद थर्ड जजेस केस आया, उसमें अलग बात हुई. उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखो ये जो प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन है इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स द सीजीआई, इट इन्वॉल्व्स द कंसल्टेशन ऑफ प्लुरालिटी ऑफ जजेस बाय द सीजीआई. ठीक है ना, एंड सीजीआई ओपिनियन अलोन कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल. केवल जो सीजीआई है उनका अगर ओपिनियन आएगा अलोन तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा. ऑलराइट, इसीलिए इस थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 4 judges, ठीक है ना, CJI must consult with the collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges give an adverse opinion, she must not send it to the president as a recommendation. तो ये third judges case में ये final judgment आया है और यही आज तक चल रहा है. Alright, तो इन चीजों को ध्यान में रखना क्योंकि नए recently appoint हुए हैं Supreme Court के judges, तो exam में question पूछा जा सकता है like this. Pre में question आपके पूछा जा सकता है, consider the following statements. CJI is elected by the president on advice of other judges in the Supreme Court and High Courts. This is absolutely correct. Other judges are elected by the president after consultation with CJI, and such other judges of the Supreme Court and High Courts
as the president may deem necessary. Absolutely correct. And consultation with CGI is obligatory except in the case of appointment of CGI himself. So this is also correct. So here in this question all are correct. But yes, इस तरीके का और भी कई क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बन सकते हैं. एंड नाउ अगला आर्टिकल है जो हमारे नए आर्मी चीफ है मनोज पांडे, उनका एक इंटरव्यू हुआ था. उन्होंने बोला कि भाई देखो चाइना का जो इंटेंट है दैट इज टू कीप बाउंड्री इश्यू अलाइव, और इंडिया इंडियन गवर्नमेंट यानी कि इंडियन आर्मी ये चाहती है कि जो इंडिया का जो एम और इंटेंशन है दैट इज टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो प्रायर टू अप्रैल 2020. अप्रैल 2020 में जो अलग अलग पॉइंट्स पे सिचुएशन थी वो हम चाहते हैं, लेकिन चाइना के जो पूरे इंटेंशन है वो यही है कि बाउंड्री का जो इश्यू है, जो हमारे बाउंड्री के पर जो अक्रॉस द एलईसी अलोंग द एलईसी जो हमारे इश्यू चल रहे हैं चाइना के साथ वो अलाइव रहे. ठीक है, तो एक हालांकि एक स्टेटमेंट है, इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट यस अगर कोई इंडिया चाइना रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आता है मेंस में तो यू कैन मेक यूज ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे. मूविंग अहेड, ऑपरेशन दूधी. ऑपरेशन दूधी क्या है ये? इसके 30 साल अभी कंप्लीट हुए हैं ऑपरेशन दूधी के, तो कुछ सम्मान दिया गया था असम राइफल्स के सोल्जर्स को, उसके बारे में है, तो इसलिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है. तो ऑपरेशन दूधी क्या है? द पार्लियामेंट्री असम पैरामिलिट्री नॉट पार्लियामेंट्री सॉरी पैरामिलिट्री असम राइफल्स फेलिसिटेटेड द सर्वाइविंग सोल्जर्स ऑफ ऑपरेशन दूधी विच इज कंसिडर्ड एज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन विच टुक प्लेस मोर देन 30 ईयर्स अगो इन द ईयर 1991 में. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था? एक टीम थी 15 सोल्जर्स की ऑफ द 7th बटालियन ऑफ आर्मी असम राइफल्स एंड इट वॉज लेड बाय नायब सुबेदार पदम बहादुर छेत्री. इन्होंने क्या किया था, 72 पाकिस्तान ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट को एलिमिनेट किया था और 13 को कैप्चर किया था. ठीक है, और कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में 14,000 फीट पे. तो इसीलिए ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन माना जाता है, और इसके क्योंकि 30 साल पूरे हुए हैं उसी के लिए जो सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं या उनकी फैमिली है उनको फेलिसिटेट किया गया बाय असम राइफल्स. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, प्री में आपका क्वेश्चन बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन दूधी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है कि भाई इट वॉज कंडक्टेड बाय द असम राइफल्स, तो यस इन दैट केस दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट. इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1981, तो इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1991. तो इस तरीके के 3 या 4 स्टेटमेंट आपके एग्जाम में हो सकते हैं ऑपरेशन दूधी से, और इतना ही पढ़ना काफी है. ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आपको पीएचडी नहीं करनी है ऑपरेशन दूधी के ऊपर कि कौन से हथियार गए थे, किन किन को मारा था, कौन कौन से 15 सोल्जर्स गए थे, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर ऑपरेशन दूधी, देयर वाज अ टीम ऑफ 15 सोल्जर्स फ्रॉम 7th बटालियन ऑफ असम राइफल्स लेड बाय नायब सुबेदार पदम बहादुर छेत्री. इट वॉज हेल्ड ऑन इन द ईयर 1991. दे गन डाउन 72 पाकिस्तान ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट एंड कैप्चर्ड 13 अदर्स एट 14,000 फीट इन जम्मू एंड कश्मीर. ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, तो इसमें थोड़ी सी ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में है. अब इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, बट क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो 2 महीने के बाद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने फाइनली दे हैव मैनेज्ड टू इश्यू अ स्टेटमेंट कॉलिंग फॉर अ पीसफुल सोल्यूशन. तो अगर आप सबने पढ़ा होगा कि जो एंटोनियो गुटेरेस है जो कि यूनाइटेड नेशन के चीफ है वो अभी दोनों कंट्रीज गए थे, पुतिन से भी मिले और जेलेंस्की से भी मिलके आए हैं. तो दोनों ही कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि यस हम दोनों ही जो है पीस चाहते हैं. तो उसी के बाद ये एक स्टेटमेंट पास हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कॉलिंग फॉर अ पीसफुल सोल्यूशन. ठीक है, हाउएवर द स्टेटमेंट अवॉइडेड एनी रेफरेंस टू वॉर इन्वेजन और कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो स्टेटमेंट तो पास हुई है लेकिन उस स्टेटमेंट में कहीं पे भी इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है लाइक वॉर इन्वेजन और कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने भी यूनानिमसली इन्होंने एग्री किया है टू कॉल फॉर द पीस. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस दिन ये स्टेटमेंट दी गई उसके अगले ही दिन रशिया ने फिर बमबारी कर दी थी यूक्रेन के ऊपर. तो अगेन मैं फिर से कहूंगा कि ये जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो किसी भी कंट्री के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, इसलिए ये सारे अग्रीमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे जितने भी कन्वेंशन हैं, ऑल दीज आर यूजलेस अनलेस दीज आर बाइंडिंग ऑन द नेशंस. ठीक है, लेकिन इनको स्ट्रिक्टफुली बाइंडिंग करना भी सही नहीं होगा बिकॉज हर नेशन की जो जो ज्योग्राफी होती है या जो वहाँ के
जो लोकल पॉलिटिक्स होती है या जो लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस को या एग्रीमेंट्स को बाइंडिंग करना इज इन पॉसिबल। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि यस, जो इनके जो नेशन लॉज हैं, यानी कि जैसे इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, इनके जो लॉज हैं ये थोड़े बहुत अलाइन किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉज, जिससे कि जो ओवरऑल इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकेगा, बट ऑफकोर्स 100% वो नहीं हो सकता। एंड फाइनली महिंदा राजपक्षा ने रिजाइन कर दिया है एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा जो धरना प्रदर्शन है वगैरह ये सब चल रहा है, बहुत सारी वायलेंस वहां पे भी है, तो जिसके बाद फाइनली महिंदा राजपक्ष ने एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दिया है। वहां की कैबिनेट जो है वो अब डिसॉल्व हो गई है, तो अब देखना है कि आगे क्या होना है। इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, बट यस यू शुड नो दैट महिंदा राजपक्ष हैज नाउ गिवन द रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, so that's it for the session today guys. I hope all the articles are clear and the PMI analysis are also clear. So now I hope you can realize the importance of PMI analysis. So you guys just have to watch these sessions and you can download the PDF from the Telegram channel. The link is provided in the description, and I will see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care and God bless.